दो मिनट वास्ते अपनी गप्पा मारोगे तो मेरे अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों के। मैं एक बार अर्ज कीता है कि खुदा दे बंदे हो ऐसी महफिल में आना एहसास समझदा और सादत समझदा कि रसूलुल्लाह दे दर दी नौकरी पेश कर रहे हैं और अल्लाह की कसम उठा के कहना जिस बूवे दे अज मंगते बन के बैठे हैं जिस लजपाल आका हुसैन की नौकरी वास्ते बैठे हैं वो दरवाजा ऐसा है कि जिससे कोई भी सवाली आए खाली नहीं जाता। सुभान अल्लाह। हुजूर मौला कायनात शेरे खुदा तशरीफ ले जा रहे हैं एक नबीना आदमी खड़ा है कहने लगा हुजूर मैं तो आड़ी बार का वे सवाल करना है। मेरे मौला ने फरमाया दस केड़ा सवाल करना ही आखिर हुजूर मेनू गंदम चाहिए मेनू की चाहिए गंदम चाहिए। मेरे मौला ने फरमाया ऐ कंबर एक कंबर हुजूर मौला के अनाज का नौकर है और एक बादशाह का बेटा है। मेरे मौला ने फरमाया कंबर इनू दे गंदम अर्ज की थी हुजूर गंदम ते बोरी अच्छी है मेरे मौला के अनाज ने फरमाया पूरी बोरी दे छाई। सुभान अल्लाह। अर्ज की थी हुजूर बोरी दे ओट देती है फरमाया ओटी दे दे उन्होंने अर्ज की थी हुजूर ओट ते कतार में चार है मेरे मौला ने फरमाया पूरी कतार ही। सुभान अल्लाह। उस दर से नौकर बन के बैठे है ईमान अफरोज महफले बाद सैयद शहदा शहदादा है गुलगो कुबा राते में दोषी मुस्तफा आले रसूल जिकर को शह बतूल सैयदना इमामी आले मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दी बारगाह दे अंदर आराम से बैठे भाई सलामत के तकद्दस का ख्याल रखें। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई ये बड़ी ही मुकद्दस महफिल है। नजराना अकीदत अपनिया मुहब्बत अकीदत के फुल पेश करने वास्ते मुहतरमी व मुकरमी सूफी बासफा आशिक रसूल फिनाफ शेख गदाए पीर सियाल लजपाल और जेड़ा इस चीज के एजाज समझते कि पीर सियाल का मेनू सग आख्या मोहतरम व मुकर्रम जनाबे भाई मियां मोहम्मद हबीब साहब ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के नाल बड़े शौक और ज़ौक के नाल इस महफिल पाक ने तमाम किया है। खल्ला के लम यज़ल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और अज़मत का वास्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालायने पाक के तसद्दुक के नाल अल्लाह सोना इस हाजरी नु अपनी बारगाह विच कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जितने अहबाब अपने आराम नु तरक करके आए हो बिस्तरे नु छोड़ के आए हो खल्ला के लब यज़ल शब्द आउणा कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह सोना तुहानू कदम कदम दे उत्ते करोड़ां बरकतां रहमतां अता फरमाए। हजरात मोहतरम मेरे तो कबल मद्दा खाने रसूलल्लाह ने आशिक रसूल अपने अपने वक्त के उत्ते बड़ी सोहनी रसूलुल्लाह दी नौकरी पेश की थी। माशाल्लाह भाईजान नकीबे महफिल ने भी बड़ा आसन अंदाज दे नाल बड़े सोहने और बलवला अंगेज तरीके दे नाल अहबाब नू अपने मलफूजात तो नवाजिया। मैं भी तुहाडे सामने चंद एक मिनट रसूलुल्लाह दी नौकरी पेश करना चाहना लेकिन गल सुनो यार जब तक तुसी पूरी तवज्जो नहीं करोगे बोलने वाला बंदा परेशान हो जाता है ते जिहड़े गप्पा मारे जांदे तुहाडी मेहरबानी पर गप्पा छोड़ दिओ चल इधर दफो